अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपनी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन। उसके बाद जी उमामा को उठाने की बारी आती है नाश्ते के बाद, दूसरे काम पे चले जाते हैं। मैं फिर उमामा को उठाती हूँ, तकरीबन ये टाइम था 7:30-8 बजे का। तो इसकी भी मैं भी रूटीन सेट कर रही हूँ उमामा की, और बस ये मैं इसके कपड़े निकालती हूँ मैं इसको उठाने से पहले। और मैं इसके लिए पानी नीम गर्म करके, यहाँ पे तो गर्म ही होता है ऑल द टाइम, तो अभी गीज़र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको नहलाने के बाद, रेडी करने के बाद मेरा फ़र्स्ट ऑफ ऑल काम होता है बेड को ठीक करना। तो बस ये इसका लुक ना आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। आई मीन इसको ना पिंक शर्ट पहनना है और इसको अपना पिंक शॉर्ट पहनना है, बस इसको कोई और कलर नहीं चाहिए, हर चीज़ में पिंक 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 पिंक। बस उसके बाद उमामा अपने कामों में लग गई है ये टीवी पे। बस उसको अब मैंने आदत डाली हुई है, टैब से चेंज करवा के टीवी पे मैंने उसको कन्वर्ट कर दी कि अब तुम टीवी पे देखो। इसको नो टैब नहीं मिलता, फ़ोन नहीं मिलता, उसको आदत बिल्कुल छुड़ा दी हुई है मैंने। उसके बाद जी वैक्यूम का टाइम आता है। वैक्यूम करने के बाद किचन देख लेती हूँ मैं, किचन में नाश्ते के बर्तन होते हैं तो मैं उसको फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की डेली रूटीन टफ़ है, नॉर्मल है या क्या है। अच्छा, यहाँ पे हाउस हेल्प तो नहीं होती है, ले हर काम खुद ही करने पड़ते हैं। और जी ये देखें बर्तन भी धुल गए, क्लीनअप मैंने कर लिया था। आपके साथ मैं यहाँ शेयर करूँगी, बहुत ही अमेजिंग टिप है ये फेस के लिए, बॉडी के लिए। जिनको ये छाइयाँ, जिनको स्कार्स बोलते हैं और पिंपल के निशान रह जाते हैं, कईयों का कोई पुराने से पुराना ज़ख्म होता है जो ब्लैक धब्बा छोड़ जाता है, उसके लिए ये रेसिपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये शादी से पहले भी यूज़ करती थी, और स्पेशली फॉर द ब्राइड्स, जो इनकी शादी, जिनकी भी अब न्यूली शादी होने वाली है, वो लोग ये ज़रूर ट्राई करें। ये मेरा आजमुदा हुआ है, और आप लोगों ने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बेसन डाला, गुलाब का अरक डाला, हल्दी डाली, शहद डाला, ठीक है। और आपने अंडे की सफ़ेदी डालनी है, ठीक है। अंडे की सफ़ेदी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। आपने ज़्यादा इसको ना थिक करना है, ना ज़्यादा पतला करना है, इस ये क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी। क्योंकि जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, ये और थोड़ा सा, कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ये फ्रिज में रखेंगे, जार में, मेरा ऑलमोस्ट खाली होगा, तो मैं दूसरी दफ़ा ये भरा जार, और इसको फ्रिज में रख के फिर आप सुबह लगाएं, जब भी आपको टाइम मिलता है, बैठती हैं चिल होकर, आराम से बैठती हैं, तो लगाया करें, ठीक है। उसके बाद ये लगाने से पहले मैं वो दरमियान वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये विशफुल का है, ये है हुदा ब्यूटी का, ठीक है, योग्लो। ये आपकी स्किन से डेड स्किन रिमूव कर देता है, ठीक है, और डस्ट जितनी भी होती है आपके पोर्स में फंसी भी होती है, ये सारी रिमूव हो जाती है इससे। ये हुदा ब्यूटी का प्रोडक्ट है, ये आज शायद आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये हुदा ब्यूटी का प्रोडक्ट है। उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छा फेस वॉश है, ये जो है ना, ये मेड इन फ्रांस का है। ये जिनको पिंपल्स होते हैं ना ज़्यादा, ये वो यूज़ कर सकते हैं, और ये तो इन सब का बाप है। ये न्यूली अभी लॉन्च हुआ है, ला रोश पोज़ है, ठीक है। ये ऑसम है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, फुली रेकमेंडेड है, ठीक है। और ये मेरे 3 प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। और उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस को टोनर करती हूँ इससे, ठीक है। बहुत अच्छा आपके डर्ट रिमूव हो जाती है। फिर मैं सन ब्लॉक लगाना, फिर डे क्रीम मैं लगाती हूँ अपनी, फिर उसके साथ छोटी सी, आप नज़र आ रही है, मैंने आपको ये दिखाई, ये वाली ये डे क्रीम, ये आई क्रीम है, ठीक है। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र पहले लगाएं, फिर डे क्रीम लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, और अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। हम लोग माँ बन के या शादी के बाद हम पे और ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो हम लोग अपना आपको निगलेक्ट कर देते हैं। और ये एक और प्रोडक्ट है डियोर का, तो ये आई क्रीम है और दूसरी फेस क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है। ये तब मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे मेकअप करना होता है। ये सन प्रोटेक्शन भी है और आपका मॉइस्चराइज़र भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उमामा अपने पापा के साथ खेलने लग गई थी, और जी आजकल ये इसको द ब्लू एंग्री बर्ड बहुत पसंद आए हुए हैं, और वॉइस ओवर करते हुए भी बस वो खेल रही है अपनी शेर के साथ। सॉरी अगर आपको शोर आ रहा है उसका, तो बस उसको पापा
पेपा और द ब्लूज, मुझे मेंशन करके बताएं कौन कौन किस किस के बच्चे ये देखते हैं। और उसके बाद मैंने आटा गूंदा दोपहर के लंच के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, प्लीज़ लड़कियों और जो जो मुझे देख रही हो, प्लीज़ अपनी अपनी लाइफ में विटामिन ऐड कर लो। विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद विटामिन को आप ठंडे पानी में लें, जैसा दिल है आपका लें। उसके बाद लंच की तैयारी थी, मैंने मैंगो शेक बनाया था, यहाँ पे पाकिस्तानी मैंगो आ चुके हैं। मैंने अपनी कुलीग की देखी थी रेसिपी, उसने भी चने अंडे बनाए थे तो मैंने भी वही बना लिया। बस लंच के बाद अब रात की तैयारी थी, सारा किचन लंच के बाद साफ़ किया। मामा के लिए चिकन पॉपकॉर्न बनाए, रात के लिए दाल बनाई थी मैंने, मसर और चने की दाल बनाई थी। अच्छा, कसूरी मेथी, हर मैं तो अपनी हर हांडी में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू जब आती है एंड में उफ। और इसको मैं लगाऊंगी जी तीन तड़के, मामा के लिए मैं सेपरेट राइस बनाऊंगी, ये तीन तड़के मैं इसको लगाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।